हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम 4.0 की यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अकाउंटेंट लोगों के लिए यूज होने वाले कुछ बेसिक्स फॉर्मूले। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि हम किसी भी कंपनी की अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उस कंपनी के ट्रांजेक्शन्स अगर हमें रिकॉर्ड करने होते हैं तो हमें पर्टिकुलर किसी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ता है। चाहे हम टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करें, बीजी सॉफ्टवेयर यूज़ करें या इसके अलावा कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करें, तो सारा का सारा कंप्लीट वर्क होता है वो हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो नहीं देता है। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के अदर रिकॉर्ड्स को फाइनलाइजेशन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी सहारा लेना पड़ता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सभी जो काम होते हैं वो फॉर्मूला बेसिस पे होते हैं। हालांकि जितने भी फॉर्मूले होते हैं एक्सेल के अंदर, वो सभी के सभी फॉर्मूले अकाउंटेंट लोगों के लिए यूज भी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे बेसिक्स फॉर्मूले जिसका हर एक अकाउंटेंट को नॉलेज होना जरूरी है। तो अगर आप एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी उतनी ही आपको प्रायोरिटी देनी है जितनी आप पर्टिकुलर किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को देते हो, चाहे आप टैली सीखने को दे रहे हो, चाहे आप बीजी सॉफ्टवेयर सीखने को दे रहे हो। तो आज के इस टॉपिक में हम कुछ ऐसे डिस्कस करेंगे कि अगर हमें किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनानी हो तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट या फिर डेप्रिसिएशन चार्ट, इसके अलावा अदर शेड्यूल्स होते हैं जो हमें बैलेंस शीट के साथ अटैच करने होते हैं। तो हम उन सभी को, एक दूसरे के डाटा को हम लिंक किस प्रकार से करेंगे, लिंक करने का फॉर्मूला क्या होता है, और ये लिंक करने का जो फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, बहुत ही सरल फॉर्मूला है और ये आपका काफ़ी सारा टाइम भी बचाएगा। अगर आपके कोई गलती है तो वो गलती भी आपको वो फॉर्मूला पकड़ के देगा। तो किस प्रकार से हम इस बेसिक फॉर्मूले को सीखने वाले हैं तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना होगा, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो को और ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास ये रिकॉर्ड है, इसी रिकॉर्ड के थ्रू हम इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब कुछ तैयार करेंगे। हालांकि मैंने इसको खाली फॉर्मेट ही रेडी किया हुआ, कुछ भी इसके अंदर डाटा एंट्री नहीं करी है। डाटा एंट्री भी आपके सामने होगी और उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है वो भी आपके सामने होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे, और ट्रेडिंग अकाउंट देखने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आना पड़ता है। आप चाहे कोई भी फाइनेंशियल बना रहे हो वो कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके सामने कोई सा भी हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो उस सॉफ्टवेयर में से आपको ट्रेडिंग अकाउंट है जो ओपन कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर इसका ओपन कर लिया, डाटा मैं यहाँ से पीरियड एक बार हटा देता हूँ और एल्ट एफ वन के साथ इसकी डिटेल ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो भाई, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, ठीक है, और मेरे पास जीएसटी 12% की परचेज है, 18% की परचेज है और जीएसटी 5% की परचेज है, और इसको मैंने एक्सेल के अंदर ये टाइप करके छोड़ा हुआ है। तो अब सबसे पहले हम जीएसटी 5% का ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करेंगे। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं इसको जीरो कर दूंगा। अब जीएसटी 5% की परचेज देखते हैं, तो परचेज आप देख सकते हो 2942.86 रुपये की है, तो 2942.86 रुपये की मेरी परचेज आ गई। अब उसके बाद इसके अंदर देखते हैं सेल, हमारी 5% की सेल है जो 3047.60 रुपये की है, और उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास आ रहा है 980, इसकी एक हम वैल्यूएशन लास्ट परचेज कॉस्ट करके देखेंगे। तो अब मेरे पास जो 5% का क्लोजिंग स्टॉक सॉफ्टवेयर दिखा रहा है वो 980.95 रुपये का आ रहा है, ठीक है, ये सब कुछ हमने फिटिंग कर दिया। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका ग्रोस प्रॉफिट। अब ये ग्रोस प्रॉफिट जो आएगा ना वो हमारा बेसिक फॉर्मूले के साथ आना चाहिए, और उसके बाद में यहाँ पर हमारा टोटल भी लगना चाहिए। तो टोटल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो सम का, हम इस ऑटो वर्ड सम वाले ऑप्शन के ऊपर भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या आप यहाँ से फॉर्मूला टाइप भी कर सकते हो। तो फॉर्मूला टाइप हमें क्या करना है, इक्वल सम, एस यू एम, ठीक है, यहाँ से हम इसको ब्रैकेट को ऑन करेंगे, और उसके बाद में यहाँ से पर्टिकुलर हम इसकी एक रेंज है जो सेलेक्ट करेंगे भी कहाँ से लेके कहाँ तक हमें टोटल चाहिए। तो ये कह रहा है J7 से लेके J10 तक आपका टोटल लगना चाहिए,
एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 4,028 रुपये पिछले वैसे इसका टोटल अमाउंट आ चुकी है। ठीक है, अब हमें चाहिए भी हमें इस सेल और क्लोजिंग स्टॉक में से परचेज की अमाउंट हमें माइनस करनी है, तो जिससे कि हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ग्रोस प्रॉफिट हमें यहां पर चाहिए, तो अब हम यहां पर लगाएंगे इक्वल का साइन। चाहे आप इक्वल लगा दो, चाहे आप यहां पे प्लस लगा दो, एक ही बात है। मैं प्लस का निशान लगा दिया, तो अब हमें इस टोटल में से यानी कि 4,028.55 में से हमें 2,942.86 रुपये माइनस करने हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए तो आप इसकी यहां पर रेंज लिख दो। रेंज का मतलब कॉलम कौन सा आ रहा है, जे, और आपकी रो संख्या कितनी आ रही है, 11। तो आप चाहे तो यहाँ पे जे 11 आप टाइप करोगे तो इसको सिलेक्ट कर लेगा, या आप जे 11 सिलेक्ट नहीं करोगे तो चाहे आप इसके ऊपर क्लिक कर दो तो यहाँ पर ये जे 11 ऑटोमेटिक लिख देगा। यहाँ पर हम इसको, अब इसमें से आपको करना क्या है, ये माइनस करना है परचेज। तो आपको यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाना है और इस परचेज की अमाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, यानी कि ये जे 11 में से एफ 8 को माइनस करेगा। उसके बाद आपको सिंपल इंटरप्रेस करना है। जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे 1,085.69 रुपये का इसने ग्रोस प्रॉफिट है जो दिखा दिया। अब उसके बाद सेम इसी तरीके से हम इसका भी यहाँ पर टोटल लगा देंगे। सिलेक्ट किया, ऑटो सम वाले ऑप्शन पे जाके जिसे आपको ये ई वाला साइन सा दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखोगे 4,028.55 रुपये 4,028.55 रुपये दोनों का टोटल है जो इक्वल आ गया। अब मेन बात ये भी आपको इसका पता कैसे चलेगा, तो अब मान लीजिए यहाँ पर अगर बाई मिस्टेक हमारी कोई फिगर हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए 1980 के बजाय हमने 980 के बजाय 1980 कर दिया, तो आप जैसे हम 1980 करेंगे तो यहाँ पे टोटल चेंज होगा, और जैसे टोटल चेंज होगा तो आपका ग्रोस प्रॉफिट भी चेंज होगा। ग्रोस प्रॉफिट चेंज होकर यहाँ पर भी इसका टोटल जो ऑटोमेटिक है जो चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम वापिस चलते हैं एक बार जीएसटी 12% वाले पे भी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये इक्वल वाला साइन वैसे फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग स्टॉक किसका भी जीरो है, परचेज अगर हम बात करें 12% की तो 25,831.39 रुपये है, और इसकी सेल की अगर हम बात करें तो 12% की जो हमारी सेल है 1,816.99 रुपये है। और उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर 12% का देखें तो सॉफ्टवेयर उठा रहे 24,712.39 रुपये का। तो सेम इसी तरीके से आप इसका भी टोटल लगाएंगे, सेलेक्ट कर दिया, ऑटो संप्रम क्लिक कर देंगे, इसका टोटल यहां पर आ गया। उसके बाद सेम फॉर्मूला ग्रोस प्रॉफिट का, सेल और स्टॉक को हम ऐड करेंगे, इसमें से परचेज हम माइनस करते हैं, इक्वल का निशान मैंने दबाया, टोटल पर मैंने सेल और स्टॉक वाला जो टोटल है उस पर मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद माइनस का सिंबल हमने यूज किया और परचेज के ऊपर अमाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया। आपको यहाँ पे अमाउंट टाइप करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको उस डाटा को सिलेक्ट करना है। जैसे हमने सिलेक्ट किया इसका ग्रोस प्रॉफिट आ गया, तो सेम इसी तरीके से हम इन सभी कॉलम का भी यहाँ पर टोटल लगा देंगे तो ये टोटल आपका इक्वल आएगा। उसके बाद में सेम इसी तरीके से 18% ओपनिंग स्टॉक हमारे पास जीरो है और 18% की परचेज 11,850 रुपये की है, और सेल की बात करें तो 7,725.44 रुपये की है। क्लोजिंग स्टॉक 18% का 4,740 रुपये का। सेम इसी तरीके से वापस हम इसको टोटल लगा देंगे, ग्रोस प्रॉफिट सेम इक्वल का साइन हम यूज करेंगे, सेल और स्टॉक माइनस परचेज, ये इसका प्रॉफिट आ गया, और वापस हम इस सभी को यहां से इक्वल कर देंगे, ये टोटल बराबर आ गया। तो ये तो था हमारा डाटा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई गलती हो रही है या नहीं हो रही, अब हम चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे सीट का नंबर दिखाई दे रहा है, सीट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। आप चाहते हो भी ये इस सीट के अंदर आपने ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया है तो हम सीट 6 को रीनेम कर देंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, आप रीनेम क्लिक करोगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ताकि हमें पता चले हमारा इस कॉलम के अंदर, अगर वह सीट दिखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस सीट के अंदर आपके किस टाइप का रिकॉर्ड आपने बना के रखा हुआ है। और ये हमारा है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम इसको भी रीनेम कर देंगे, राइट क्लिक करना है रीनेम पे। मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ, कोई एडवांस फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, तो यह हम यूज करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया।
अब यहां पर आपको क्या करना है, एक कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जैसा कि सॉफ्टवेयर में बना रखा है, ये टोटल परचेज, ये टोटल सेल, ये टोटल आपका स्टॉक और आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट टोटल इतना आया है। तो अब हमें करना क्या होगा, हमने अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है ना, इन सभी ट्रेडिंग अकाउंट को हम एड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपका जीरो है, तो अब यहां पर आपको जीरो लिखना नहीं है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, इक्वल का साइन करना है और उसके बाद में आपने इस ओपनिंग पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपको फिर प्लस भी, ये ओपनिंग भी जुड़ना चाहिए, प्लस और इसके साथ साथ ये ओपनिंग भी जुड़ना चाहिए। तीन ओपनिंग थे हमारे इंटरप्रेस के, यहां पर ये जीरो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसी को कॉपी करना है कंट्रोल सी के साथ और यहां हम प्रेस करेंगे कंट्रोल वी। जैसे हमने कंट्रोल वी किया तो यहां आप देख रहे हो 40,624 रुपए की 25 पैसे की अमाउंट आ गई है, जो कि हमारा 40,624 रुपए 25 पैसे की अमाउंट हमारी टोटल परचेज है। यानी कि इस फॉर्मूले से हुआ क्या है, इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारी जितनी परचेज थी उस परचेज का टोटल ऑटोमेटिक वहां पर आ गया, क्योंकि हमने इस ऊपर वाले फॉर्मूले को कॉपी किया था तो और उसको कॉपी करके नीचे पेस्ट किया था, तो इसी कॉपी के नीचे यहाँ पर ये अमाउंट भी थी, तो ये तीनों सेम अमाउंट यहाँ पे भी आपकी एड हो जाएगी। आपको एड करने की बारी बारी करने की जरूरत नहीं है। सेम यही तरीका, आप इसको कॉपी करो, सेल वाले पे जाओ, कंट्रोल वी प्रेस कर दो, टोटल सेल आपकी वहां पर एड हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो 12,390 रुपए 3 पैसे की सेल है, तो 12,390 रुपए 3 पैसे की सेल आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी। अब उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपका, तो कंट्रोल सी आप कॉपी करो सेल को और कंट्रोल वी प्रेस करो, तो 30,433 रुपए का स्टॉक, 30,433 रुपए 34 पैसे का स्टॉक। तो यानी कि अब आपका टोटल सॉफ्टवेयर दिखा रहा है 2,199 रुपए 12 पैसे का ग्रॉस प्रॉफिट। और यहां पर भी अब हमें यहां पर देखो प्रॉफिट नहीं आया, तो प्रॉफिट हम यहां पर आप चाहो तो वहां से भी हम इसको कॉपी कर सकते हैं तीनों को ऐड करके, अदरवाइज आप यहां पर भी अलग से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें इन सभी को सेल को स्टॉक को यहां पर ऐड करेंगे, इक्वल का फॉर्मूला सेम यहां पर वही यूज करेंगे, माइनस हमारी परचेज, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये 2,199 रुपए 12 पैसे का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और यहां पर भी 2,199 रुपए 12 पैसे का आपका ये आ गया। अब बाय द वे मान लीजिए यहां से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारे से कोई मिस्टेक होगी, चाहे परचेज सेल स्टॉक कुछ भी लिखने के अंदर, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपके सॉफ्टवेयर के साथ मैच नहीं करेगा। हम मान लीजिए कोई भी इसको हम चेंज करके देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, मान लीजिए इसके अंदर मैंने 10 गलती से 47,400 रुपए का लगा दिया, तो जैसे हम इस कंसोलिडेटेड पे वापस आएंगे तो ये कहेगा आपके पास 73,093 रुपए का स्टॉक हो गया और आपका ग्रॉस प्रॉफिट 44,859 रुपए का है। अगर हम सॉफ्टवेयर को देखेंगे तो यहाँ पे 2,199 रुपए का भी प्रॉफिट दिखाएगा। तो यहां से आप इस गलती को पकड़ सकते हो कि सॉफ्टवेयर का प्रॉफिट और हमारे एक्सेल का प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी डाटा के अंदर हमने मिस्टेक कर दी है, वो मिस्टेक कहीं भी हो सकती है। तो आपको करना क्या होगा, वापस मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस आते हैं तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हो भी परचेज 40,624 रुपए 25 पैसे की परचेज है, तो यहाँ पर भी 40,624 रुपए 25 पैसे की परचेज है। 12,390 रुपए 3 पैसे की सेल है, 12,390 रुपए 3 पैसे की सेल है, यानी कि परचेज और सेल के अंदर डाटा हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है। स्टॉक की बात करें तो 73,093 रुपए का स्टॉक आ रहा है और सॉफ्टवेयर में देखें तो 30,433 का स्टॉक आ रहा है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हमने लिखते वक्त कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी। अब वो कौन से के अंदर करी है, तो आप यहां से भी देख सकते हो भी 980 रुपए का स्टॉक, ये 980 रुपए का भी स्टॉक हमने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद में ये हमारा स्टॉक 24,712 रुपए का, 24,712 रुपए का ये स्टॉक भी हमने सही लिखा हुआ है। उसके बाद 47,400 रुपए का सॉफ्टवेयर दिखा रहे हैं 4740 रुपए का, यानी कि इस अकाउंट के अंदर हमने गलती कर दी। जैसे हम इसको सही करेंगे तो सारा डाटा हमारा यहां पर कंसोलिडेटेड के अंदर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। इसको वापस हम सिलेक्ट करेंगे, ऑटो सम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा। अब उसके बाद में सॉफ्टवेयर क्या करता है, अब ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है इस ग्रॉस प्रॉफिट को ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और अब हमें यहां पर इसको प्रॉफिट को भी ट्रांसफर करना है। तो यानी कि ये वाला जो प्रॉफिट है ये यहां पर भी फॉर्मूले के साथ आना चाहिए, तो सेम वही फॉर्मूला, इक्वल का निशान हम यूज करेंगे। आपको केवल इस जो प्रॉफिट आ रहा है उस अमाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है, जो जो भी इसकी रेंज होगी F9 यहां पर ये ऑटोमेटिक ले लेगा,
एंटर प्रेस करेंगे 2199 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर अगर कोई प्रॉफिट चेंज होता है तो ये प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। हम यूज करके देखते हैं, वापस यहीं चलते हैं, मतलब वापस हम इसको जीरो यूज करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे 44,859 का प्रॉफिट, तो यहां पर भी 44,859 का प्रॉफिट ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, आपको यहां पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। यही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की खासियत होती है, यानी कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आपको फॉर्मूला सही तरीके से लगाना है। उसके बाद हम चलते हैं, यहां पर हमें डिस्काउंट भी मिला हुआ 350 रुपए का, यानी कि एक तरीके से अदर इनकम है। तो यहां हम लिखते हैं भाई अदर इनकम 350 रुपए की, तो टोटल हमारा आ गया 2549 रुपए का क्रेडिट साइड का टोटल, 2549 रुपए 12 पैसे का क्रेडिट साइड का टोटल। और इधर हमारी एक्सपेंसेस है सैलरी का 300 रुपए का, तो हम यहाँ पर सैलरी के हेड में भी डालेंगे 300 रुपए का, ठीक है। तो अब हमें क्या होगा भी, टोटल हमें नेट प्रॉफिट अभी भी निकालना है भी, टोटल नेट प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है। तो नेट प्रॉफिट हमारा रह गया 2249 रुपए 12 पैसे का नेट प्रॉफिट आ रहा है, और यहाँ पर हमें वो नेट प्रॉफिट निकालना है। तो नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका भी, टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, तो इक्वल का निशान हम दबाएंगे, टोटल इनकम हमारी 2549 रुपए की हो चुकी है, माइनस हमारा एक्सपेंसेस 300 रुपए का, एंटर प्रेस करेंगे तो ये टोटल हमारा 2249 रुपए 12 पैसे का प्रॉफिट आ चुका है नेट प्रॉफिट, यहाँ पर भी 2249 रुपए 12 पैसे का, यानी कि यहाँ तक हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं बैलेंस शीट पर, तो ये हमारी बैलेंस शीट है, इसको भी हम रीनेम करेंगे, तो यहाँ पर भी हम इसको लिख देंगे बैलेंस शीट। अब उसके बाद में सबसे पहले कहेगा भी आपका प्रोपराइटर का जो अकाउंट है वो शेड्यूल ए में बना हुआ है, तो अब ये हमारा शेड्यूल ये आ गया मिस्टर एक्स का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के चलने के लिए हमें बैलेंस शीट पर जाना होता है, तो बैलेंस शीट को ओपन करेंगे, LTF1 के साथ डिटेल ओपन कर ली। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो बैलेंस ओपनिंग है वो 50,000 रुपये के, उसके बाद में ये बैलेंस ओपनिंग नहीं है, ये हमारा कैपिटल इंट्रोड्यूस है, यानी कि हमने इसी साल में ये कैपिटल है जो इंट्रोड्यूस करी है। और उसके बाद में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, आपका इस साल में प्रॉफिट कितना आया है 2249 रुपये 12 पैसे का, तो ये प्रॉफिट भी आपका इस कैपिटल अकाउंट के अंदर जाना चाहिए ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर आपको इक्वल का निशान प्रेस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शीट पे आ जाना है, और आपको इस ये जो कॉलम है जो आपको अमाउंट यहाँ पे दिख रही है इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो ये 2249 रुपये 12 पैसे यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पर आपको ये दिखाएगा इसकी डिटेल, ये जो फिगर आ रही है कहाँ से आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के F14 के कॉलम से आ रही है। तो अब यानी कि टोटल हमारा कैपिटल हो जाएगा ये 50,000 प्लस हमारा प्रॉफिट। अब इसके अंदर से हमारी कोई अभी तक हमने कोई ड्राइंग्स या वगैरह कुछ कैपिटल के अंदर एक्सपेंसेस हमने किए नहीं है, तो एज इट इज हमारा बैलेंस है जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 52,249 रुपए का। अब ये जो 52,249 रुपए का जो बैलेंस है ये हमारा इस बैलेंस शीट के अंदर ये आना चाहिए, तो सेम वही फॉर्मूला, इक्वल का निशान हम प्रेस करेंगे, कैपिटल अकाउंट पे चलते हैं, इस अमाउंट पे क्लिक कर देंगे तो ये अमाउंट यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, यानी कि हम एक के साथ एक सीरीज को ऐड करते जा रहे हैं। तो ये हमारा कैपिटल है, तो अब इसको भी यहाँ पे रीनेम करेंगे कैपिटल एंड अदर लाइबिलिटीज। उसके बाद बैलेंस शीट पे चलते हैं सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ आ रहा है देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस माइनस में, यानी कि CGST और SGST आपका डेबिट साइड में आ रहा है, तो हमें इसको एक्सेल की बैलेंस शीट के अंदर इसको इस साइड के अंदर हमें लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखते हैं CGST का बैलेंस, CGST इनपुट, और एक हमारा SGST इनपुट, जितनी भी अमाउंट है वो हमें यहाँ पर लिखनी होगी 2341 रुपये 27 पैसे की, क्योंकि कुछ सभी डाटा आपका फॉर्मूला के साथ नहीं आएगा, कुछ डाटा आपको यहाँ से हाथ से भी लिखना पड़ेगा।
उसके बाद में आपके सेंट्री क्रेडिटर, इंटर प्रेस करते हैं तो यहां आप देखोगे आपकी दो फिगर्स है जो क्रेडिट साइड में आ रही है, एक आपकी डेबिट साइड में आ रही है। तो यानी कि आपके तीन क्रेडिटर में से दो तो क्रेडिटर है, एक आपका डेबिटर बन चुका है। तो जो क्रेडिटर की अमाउंट है वो हमें यहाँ पे लिखनी है, जैसे 46,415 रुपए। तो यहाँ आपको सेंट्री क्रेडिटर के लिस्ट भी आपको बनानी पड़ती है। तो मैं एक बार सीधा फिगर ही यहाँ पर लिख रहा हूँ बैलेंस शीट को मिलाने के लिए 15 पैसे। उसके बाद हमारी ये जो लायबिलिटी साइड है वो हमारी क्लियर हो चुकी है। उसके बाद हम इधर आते हैं क्लोजिंग स्टॉक पे। तो अब यहाँ पर जो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपका जो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक आपका इस बैलेंस शीट में आना चाहिए। इक्वल का निशान करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में सेंडी डेप्टर्स, तो सेंडी डेप्टर्स की बात करें तो ये 12,594 रुपये आपका ये सेंडी डेप्टर्स है, और इसके साथ साथ आपका 350 रुपये का एक है, ये भी सेंडी डेप्टर्स है। तो टोटल कहने के वाला हम 12,594 में 350 रुपये और ऐड करेंगे। या आप चाहो तो आप इस पार्टी के बैलेंस को जो इसका ग्रुप है वो चेंज कर सकते हो सैंडरी डेप्टर। तो जैसे हम सैंडरी डेप्टर क्लिक कर इसका ग्रुप है हमने चेंज कर दिया, तो इसकी अमाउंट ऑटोमेटिक सैंडरी डेप्टर के अंदर ऐड हो जाएगी, यानी कि 12,944 रुपये का आपका सैंडरी डेप्टर होगा। अगर आपके पास ये लिस्ट काफ़ी सारी बड़े नामों की है, 50-100 नाम की है, तो आपको पर्टिकुलर कुछ है जो लिस्ट है जो तैयार करनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से नाम वाइज, और फिर आपका अमाउंट उनके सामने यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टोटल आपको यहाँ लाना पड़ेगा और इस टोटल को इस बैलेंस शीट के साथ में इक्वल का निशान लगा के अटैच कर देंगे, जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। उसके बाद में हमारा कैश इन हैंड 50,193 रुपये 39 पैसे का, तो हम यहाँ पे कैश इन हैंड भी लिखेंगे 50,193 रुपये 39 पैसे का। तो हम इस एक बार इस बैलेंस शीट का टोटल हम लगा के देख लेते हैं भाई टोटल में हमारा कोई डिफरेंस है या नहीं। अब हम टोटल यूज करने वाले हैं फॉर्मूला सम वाला, यानी कि हमारा C5 से लेके और C29 तक हमारा टोटल है जो लगना चाहिए। इक्वल का निशान हम यूज करेंगे, SVM सम हम टाइप लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट को ऑन करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे C5 और यहाँ पर ये सेमीकोलन का निशान हम यूज करेंगे और C29 एंटर प्रेस करेंगे, ये आपका टोटल आएगा। और इसी टोटल को फॉर्मूले को हम इस साइड में भी कॉपी कर देंगे, तो यहाँ देख सकते हो 98,253 27 पैसे और 98,253 27 पैसे। यहाँ हम इसमें से माइनस करके भी देखेंगे, इक्वल माइनस दिस माइनस, तो यहाँ पे आपका बैलेंस है जो डिफरेंस है ये बिल्कुल जीरो आया, यानी कि अब आपकी जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल सही मैच है, आपने कोई भी डेटा मिसमैच नहीं किया है। तो अगर हम टैली सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर 93,570 रुपये 73 पैसे का टोटल आ रहा है और यहाँ पर आपका 98,253.27 का आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर जो आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस यानी कि हमारा CGST और SGST का जो बैलेंस था वो माइनस करके दिखा रहा था, यानी कि ये हमारी लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी के अंदर माइनस कर रहे हैं, ठीक है, और हमने इसको एसेट की साइड के अंदर ऐड कर दिया लायबिलिटी को माइनस करने की बजाय। तो ये जो डिफरेंस आपका टैली सॉफ्टवेयर में और एक्सेल के अंदर हम जब बनाएंगे तो ये इस तरीके का बैलेंस आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो भी ये बैलेंस आपको एक्सेल का टोटल और टैली सॉफ्टवेयर का टोटल ये टोटल आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तो हमें ये जो ड्यूटी एंड टैक्सेस के जो लेजर है CGST और SGST का, इन्हें हमें डेबिट साइड के अंदर ट्रांसफर करना होता है। किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, उसके ट्रांजेक्शन हमें एंट्री करनी हमें पड़ेगी, वाउचर पे जाएंगे, F7 हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग लेजर है जो क्रिएट करने पड़ेगी, एक हमें CGST टैक्स इनपुट का हम लेजर यूज करेंगे और ये हमारा रहेगा करंट एसेट में, ये ड्यूटी या टैक्सेस में नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में ये जो इसकी अमाउंट आ रही थी हमारे पास में 2,341 रुपये 27 पैसे की, और उसके बाद में फिर हमें एक लेजर और यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा SGST टैक्स इनपुट का, ये भी करंट एसेट में रहने वाला है, ये भी 2,341 रुपये 27 पैसे। अब हम CGST का टैक्स जो हमने लेजर क्रिएट किया हुआ था ऑलरेडी, उसको हम यहाँ पर
क्रेडिट कर देंगे दोनों लेजरों को, एसजीएसटी और सीजीएसटी को अमाउंट को एंटर प्रेस करेंगे। तो अब हम बैलेंस शीट पे जाके देखते हैं सॉफ्टवेयर की। तो अब आपका सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स का साइड टोटल इस साइड में आ गया। अब ये ड्यूटी एंड टैक्स आपका यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर आप टोटल करोगे 98,253.27 रुपये, तो अब ये बैलेंस शीट आपकी एक्सेल की बैलेंस शीट के साथ में मैच करेगी। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी रहती है तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपकी क्वेरी के जरूर सॉल्यूशन करेंगे। आप अपने क्वेरी है हमें कमेंट जरूर करें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना।